कारखाना बस्ती की तरफ से ये सारे लोग सीओ साहब को एक दरखास्त देने के लिए आए, जो इलीगल वहाँ पर टेक्स्ट बुक कॉलोनी की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल के पीछे रोड बंद कर दिया गया, एक कोर्ट से ऑर्डर ला के पुलिस प्रोटेक्शन लेके कंटोनमेंट को पार्टी बनाने के बाद इसको रोड को बंद कर दिया गया, लेकिन कंटोनमेंट पार्टी होने के बावजूद कंटोनमेंट के सीओ इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। इसी तरह से कल एक दूसरा वाकया वार्ड 4 में आया, वहाँ पे दीवार बनाए तो वहाँ की दीवार को कंटोनमेंट तोड़ दी और टेक्स्ट बुक कॉलोनी की दीवार को ये लोग नहीं तोड़े। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर में अगर काम कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत गलत है। मेरे रिक्वेस्ट है कंटोनमेंट के सीईओ से, आप पॉलिटिकल प्रेशर से हट के काम करिए और ये दीवार को फौरन तोड़ा के ये रास्ते को जैसा था तोड़ना, मतलब खुला देना चाहिए रास्ते को। ये रास्ता बंद करने की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है और कॉलोनी की बिल्कुल जो है दादागिरी है टेक्स्ट बुक कॉलोनी के एसोसिएशन की तरफ से। टेक्स्ट बुक कॉलोनी वाले इलीगल कंस्ट्रक्ट करे, उल्लंघन है सीधा सीधा, ये वायोलेशन है सेक्शन 258 ऑफ 2006 कंटोनमेंट एक्ट का, जिसपे कंटोनमेंट के सीईओ को फौरी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे आने बाद भी हमारी कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। इनको कई एप्लीकेशन दिए कि उसके लिए आप एक गाइडलाइंस जारी करिए टेक्स्ट बुक कॉलोनी के लिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और फिर एक बार मेरी गुजारिश है सीईओ साहब से, आप पॉलिटिकल प्रेशर से हट के ये लोगों को इंसाफ दिलाना, ये लोगों को तकलीफ हो रही है, जितने लोग आए वो अफेक्टेड लोग हैं पूरे, और वो गेटेड कम्युनिटी नहीं है, ओपन लेआउट है और वो भी प्रोहिबिशन में है, वक्फ लैंड का है ज़मीन, वो जो भी है लीगल कॉलोनी वो एग्जिस्ट हुई 79 में, उसका जो है प्लान लेआउट प्लान जो है सैंक्शन हुआ 40% और 60% के हिसाब से, 40% सर्विस रोड दिए, 40% सर्विस रोड देने के बाद उस पर कॉलोनी का कोई हक नहीं है, कॉलोनी को कोई हक नहीं बनता रोड बंद करने का। और दूसरी बात, कानून के हिसाब से कोई रास्ता 30 साल तक रह जाता है तो वो 30 साल से अगर है तो उसको बंद करने का कोई हक नहीं पहुंचता, किसी भी कानून में नहीं है। और कंटोनमेंट के लॉ के हिसाब से इमीडिएट हम डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी नहीं, डिमांड कर रहे हैं सीईओ साहब से कि ये रोड खोलना चाहिए और कॉलोनी के खिलाफ जो है कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना कि वो लोग आपकी रोड को खोद के दीवार बनाए, उसके खिलाफ उनके ऊपर केस बुक करना चाहिए। 100-150 साल पुराना रास्ते को बंद करके वो लोग अपनी दादागिरी कर रहे हैं, वो एक उनकी मनमानी हम नहीं चलने देंगे। इसमें पुलिस का सपोर्ट लेके वो लोग काम करे, ठीक है पुलिस प्रोटेक्शन दी, लेकिन पुलिस वन साइड जा रहे, पुलिस भी पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ के अपना काम करे, 97 के ऑर्डर को कोर्ट को मिसगाइड करके वो लोग को ऑर्डर लाके दादागिरी से कल दीवार बनाए, उसके ऊपर कंटोनमेंट बोर्ड कोई एक्शन नहीं लिया। उसी तरह से मैं बोला ना, कल दूसरी कॉलोनी में एक वार्ड 4 में हुआ तो वहाँ जाके एक्शन लिया और वो दीवार को तोड़ दिए, तो कारखाने में टेक्स्ट बुक कॉलोनी की दीवार को नहीं तोड़ने का क्या मतलब है? और बोर्ड मेंबर को फोन करे, बोर्ड मेंबर की तरफ से कोई एक्शन नहीं, MLA साहब को बोले कोई एक्शन नहीं, जितने भी लोग बोले। अब हम जो है ह्यूमन राइट्स को भी जाएंगे, हुआ तो फिर हम भी हाईकोर्ट को जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जाना है जाएंगे इसके लिए। कंटोनमेंट के कानून में ये प्रोविजन है कि कोई भी रोड नहीं बंद कर सकते, कोई पैसेज, कोई स्ट्रीट, कोई रोड। आज आप AOC सेंटर, LMA लोकल मिनिस्ट्री अथॉरिटी का रोड नहीं बंद कर सक रहे, उनको परमिशन नहीं दे रहे, वहाँ हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी मामला है, उनको आप परमिशन नहीं दे रहे। आज ये मामूली सी कॉलोनी के लिए आप रोड बंद करने के लिए क्यों परमिशन दिए, किस केस पे दिए, कौन से कानून के तहत दिए, इसका जवाब कंटोनमेंट के सीईओ से मांग रहे हैं हम लोग। सीईओ साहब आप इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और वो